श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स। हमारा शोरूम सालियाना चौक पंजरुकी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट, वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंजरुकी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। बीते शनिवार को अपने अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली के खिलाफ प्रेस वार्ता करने वाले हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शिमला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने उन पर लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि प्रबंधन निगम प्रबंधन की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में गलत आंकड़े रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप है। अगर निगम प्रबंधन की ओर से हाई कोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि कर्मचारी यूनियन को ये एफिडेविट देना होगा कि उनके आरोप बिल्कुल सही है और प्रबंधन की ओर से जो आंकड़े हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं वो गलत है। अगर वो आप सही पाए जाते हैं तो प्रबंधन पर कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि वो आज ही इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे जो इसकी जाँच करेगी या उसको अलग अलग लोगों को किराए पे दिया या उसको चलाने के लिए उन्होंने HPTDC की प्रॉपर्टीज को आगे लोगों को दिया है। ये 7 प्रॉपर्टीज का ब्यौरा है जो पूर्व की सरकारों ने दिया है और अगर उन्होंने ये चीज दी है तो मैं उसको नेगेटिव रूप पे नहीं देखता। उनको लगा होगा, ये देखो सरकार हमेशा कंटिन्यूशन में होती है, अगर उनको किसी समय लगा, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता, पूर्व की सरकारों को लगा होगा कि कोई चीज़ नुकसान में चल रही है, उसको आगे किसी को देना चाहिए और आगे उसको चलाना चाहिए, तो उन्होंने दिया। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आज तक पानी का गिलास भी किसी को आगे दिया नहीं है, लीज पे नहीं दिया, चलाने के लिए नहीं दिया। पर जब मैं कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो जो हमारी यूनियन जिसने बात की, कल मैं इन्हीं को सुन रहा था, यूनियन को, यूनियन वाले ही कल आपके सामने, आप ही प्रेस के सारे बंधु बैठे थे उनके सामने, कह रहे थे कि जो नुकसान में जगहें हैं, जो नुकसान में चीजें बनाई HPTDC ने, उनको आगे आप लीज पे दे दीजिए। वो अपने आप कह रहे हैं, पर हमने ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि आज इसके लिए बड़ा भारी विचार होता है, इसके लिए सोच होती है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होता है, पहले ये चेक करना पड़ता है कि कौन से होटल के अंदर क्या चीज हो रही है। आज मैं इसके बारे में क्यों बात करूं जब मेरी सोच ही इसके ऊपर नहीं है, और आज की डेट में मेरी सोच सिर्फ एक बड़ी क्लियर सोच है कि HPTDC के होटल रेनोवेशन मांग रहे हैं, HPTDC के होटलों का सुधार करना है। अगर इन होटलों को बड़े मुनाफे में लाना है तो होटलों की रेनोवेशन करनी पड़ेगी, और जिन तो उसका मैं सिर्फ आपको उत्तर इतना देना चाहता हूं कि HPTDC ने आज तक अपना पिछले 2 साल के अंदर पानी का गिलास भी लीज पे नहीं दिया है। ये पानी का गिलास है, इसको भी हमने किसी को लीज पे ना तो दिया है ना देने की बात की है, ना आपने कहीं पे इश्तिहार पढ़ा ना किसी ने कोई बात की, तो लीज पे या बेचने की बात कहां से आती है। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया गया और मैंने आपको नाम भी दिए कि ये भ्रम कहां से शुरू होता है, जब कोई सोशल मीडिया पे सुधीर शर्मा जी लिखते हैं या जो राकेश पठानिया जी कहते हैं कि नीलामी होगी, नीलामी के अंदर 1, 2, 3 कहा जाएगा, उसके अंदर लोग नीलामी देंगे, भागसू की बोली होगी, धौलाधार की बोली होगी। तभी तो मैंने कहा कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी अलग से जो उन्होंने कहा है। देखिए, अगर कोर्ट आपसे मांगता है कि आपके पास कितने रूम है HPTDC में, पूरे प्रदेश में कितने रूम है, तो आप रेस्टोरेंट तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। अगर आपके पास वो पूछता है कि कितने रूम है तो आप कैफेटेरिया तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में 1111 रूम है HPTDC के पास, पर कोर्ट अगर पूछता है कि रूम बताइए कितने हैं तो रूम ही बताओगे आप। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ इससे HPTDC से उस समय यही पूछा था कि आप अपनी ऑक्यूपेंसी बताइए कि कितनी है होटल की।
और इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसी बताई। माननीय हाई कोर्ट ने, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा आपको क्योंकि आपने सवाल पूछा है, माननीय हाई कोर्ट जो कॉरपोरेशन से पूछेगा आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, उससे कम कुछ नहीं दे सकते। जब पूछा ही माननीय हाई कोर्ट ने ऑक्यूपेंसी है तो आप ऑक्यूपेंसी दोगे, आप कुछ और तो दे ही नहीं सकते, तो आप तो ऑक्यूपेंसी का ही आंकड़ा दोगे ना। अगर ऑक्यूपेंसी पूछ रहे हैं आप उस टाइम पे रूम का थोड़ा ना बता दोगे या रेस्टोरेंट थोड़ा ना बता दोगे, तो ये इसकी सच्चाई है। बाकी आप इसके बारे में जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी हमारा स्टाफ है, मेरे लिए वो मेरा परिवार है, HPTDC का परिवार है, मुझे हमेशा उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनके बारे में भी सोचना है। पर कोई भी आदमी कहीं बैठ के पूरे प्रदेश को या HPTDC में जो आदमी 1673 लोग काम कर रहे हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। उनको ये बात कही कि हम वाली साहब से कई बार जाके मिल चुके हैं और उनसे भी हमने अपनी बात उनके आगे रखी है। तो जिन एम्प्लॉय ने अपनी बात कही, वो क्या है उनका, क्या नाम है बताइए, क्या है, हाँ, जिन्होंने ये बात कही वो हमारे हमारे यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, ये हाँ इनका नाम है ढाबे राम जी कैप्टन रहे और बड़ा लंबा अरसा इन्होंने HPTDC के अंदर काम किया। और उसके बाद ये 31/3/2022 को फरवरी में हम लोग बने और मार्च में ये रिटायर हो गए। और ये रिटायर कैसे हुए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, पिछली सरकार में ही ये रिटायर हो चुके थे, ये पिछली सरकार में ढाबे राम जी रिटायर हो चुके थे, पर इनको कितने देर की एक्सटेंशन दी, एक साल की पिछली सरकार ने एक्सटेंशन दी थी और एक साल की एक्सटेंशन इनको पिछली सरकार में मिली थी ढाबे राम जी को। और हमारी सरकार में जब हम आए तो हमने उसी टाइम पे एक डिसीजन लिया कि जितने लोग भी एक्सटेंशन में हैं या रीएम्प्लॉयड है उन सबको हम इकट्ठे एक साथ ही भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे इनकी सर्विसेज चली गई और 31/3/2022 को ये एक साल की एक्सटेंशन जो कि पिछली सरकार ने दी थी उसके बाद ये रिटायर हमारी सरकार में मेरे आने के इमीडिएटली बाद हो गए। तो उसके बाद बाकी सब जो HPTDC की यूनियन है उनके साथ तो मैं बार बार मिला हूँ, आपके सामने यूनियन वाले हैं, आप इनसे जाके पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि ये जो आंकड़ों की बात यूनियन ने कही है ये बहुत बड़ी बात है। अगर आंकड़ों की बात कहते कि आंकड़े गलत हाई कोर्ट को दिए, ये सीरियस बात है। इस बात के ऊपर इमीडिएटली अगर किसी ने आंकड़े गलत दिए हैं तो हम एक कमेटी आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ ताकि इसको चेक करें कि अगर कोई आंकड़े गलत दिए एफिडेविट पर लिख के दें कि किसने आंकड़े गलत दिए हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो कार्रवाई, जिन्होंने ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है उनके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। बहुत